दोस्तों, मैं यशवीर सिंह सामान्य धन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनके प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो इससे पूर्व हम महाराजा रणजीत सिंह के विभिन्न पक्षों को पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो महाराजा रणजीत सिंह का प्रशासन है। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह के प्रशासन के विषय में आपको बताऊँ, महाराजा रणजीत सिंह का जो प्रशासन था वो उदार निरंकुश था। क्या था बच्चा? उदार। महाराजा रणजीत सिंह का प्रशासन क्या था? उदार निरंकुश था। उदार निरंकुश का मतलब ये हो गया कि निरंकुश जो था, निरंकुशवाद आप जानते हो ना, वो कुछ तानाशाही चीज़ें कुछ हद तक थी लेकिन उदारवादी भी था। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताऊं तो जो रणजीत सिंह था वो अपने आप को सेवक मानता था सिख राष्ट्रमंडल का। सिख राष्ट्रमंडल, सिख राष्ट्रमंडल अथवा खालसा, अथवा खालसा का स्वयं को सेवक मानता था वो। इसका अपने आप को सेवक स्वीकार करता था, बोले कि मैं सिख राष्ट्रमंडल का अथवा खालसा का सेवक हूँ। और जो महाराजा रणजीत सिंह था उसकी जो सरकार थी उसकी सरकार का नाम था सरकार ए खालसा, सरकार ए खालसा। इसकी सरकार का नाम सरकारी खालसा, एक बार पूछा भी जा चुका है। क्लियर? तो ये महाराजा रणजीत सिंह के थे। अब हम बात करते हैं प्रशासन की, तो प्रशासन को समझने के लिए देखो महाराजा रणजीत सिंह की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से डिवाइडेड थी। मैं आपको पहले वो समझा दूँ, फिर उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हो सबसे पहले जो था आपका केंद्रीय प्रशासन था। क्या था? केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन नीचे बच्चा आता था प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। जस्ट इसके नीचे आता था आपका परगना, परगना। परगना वर्तमान का डिस्ट्रिक्ट होता है, वर्तमान का जिला वो परगना कहलाता था। इसके नीचे फिर आता था बच्चा तालुक, तालुक वर्तमान की तहसील होती है। ठीक है, और तालुक के नीचे जो था उस समय वो था फिर आपका मौज, मौज या मौजा मिल जाता या फिर आपका गाँव। तो समानता जो प्रशासन था महाराजा रणजीत सिंह का, केंद्रीय प्रशासन सबसे ऊपर होता था, फिर प्रांतीय प्रशासन था, उसके नीचे परगना अथवा जिला हुआ करता था, उसके नीचे तालुक होकर तालुका अथवा तालुक होता था, उसके नीचे मौजा अथवा गांव हुआ करता था। तो जो आपका सर्वोच्च इकाई थी प्रशासन की, केंद्रीय प्रशासन था, यहाँ पर कौन था आपका? महाराजा, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, यहाँ पर प्रांतीय प्रशासन, कुल मिलाकर के चार प्रांत, इनके विषय में अभी आपको बताऊंगा। परगना जिला हो गया, तालुक हो गया, सबसे छोटी जो इकाई थी प्रशासन की वो गांव अथवा मौजा हुआ करते थे। तो अगर आपसे पूछे महाराजा रणजीत सिंह के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा मौजा अथवा गाँव, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। क्लियर? तो अब हम शुरुआत करते हैं बच्चा यहाँ से, इसके केंद्रीय प्रशासन समझाते हैं, उसके बाद फिर डीचो को डिस्कस करेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन को समझने का मतलब ये है, देखो जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1800 के बाद, है ना, की बात कर रहे हैं, 1839 में मृत्यु हुई थी महाराजा रणजीत सिंह की। तो उस समय जो प्रचलन था देश में, है ना, वो निरंकुशवादी ही अवधारणा का प्रचलन था। मतलब राजा महाराजा निरंकुश हुआ करते थे, वो अपने ही, उनको कोई सी कानून में कोई संविधान जैसी चीज़ें जो बंधे होते थे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी महाराजा रणजीत सिंह के समय एक परिषद होती थी और जिसमें समानता पांच बड़े मंत्रियों को शामिल किया गया था। यानी कि महाराजा रणजीत सिंह अपनी मंत्री परिषद की सहायता से कार्य करता था। क्लियर? अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह के समय जो मंत्री परिषद थी उसमें जो बच्चा आपके उसके वजीर हुआ करता था, वजीर, उसे मुख्यमंत्री कहते थे उस समय, मुख्यमंत्री। समानता मिडिवल हिस्ट्री में आपको वजीर का मतलब प्रधानमंत्री से होता है, लेकिन यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में वजीर या मुख्यमंत्री वर्ड होता था। तो वो जो था वो, उसका नाम था राजा ध्यान सिंह, राजा ध्यान सिंह। दूसरा बच्चा, वजीर के पश्चात जो आपका विदेश मंत्री था, विदेश मंत्री की अगर हम बात करें तो विदेश मंत्री था आपका फकीर, सुजाउद्दीन, फकीर सुजाउद्दीन। अगर हम बात करें उसके वित्त मंत्री की, वित्त मंत्री कौन था, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो वित्त मंत्री दो थे उसके, एक तो था बच्चा भगवान दास, भगवान दास, और दूसरा था बच्चा दीनानाथ, दीनानाथ।
तो इनको थोड़ा याद रखना, ये एग्जाम में आ चुके हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके, तो आपसे आगे भी इनको पूछ सकता है। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ, देखो आगे बढ़ें, ठीक है। तो हुआ क्या, जो केंद्रीय प्रशासन चल रहा है आपका, सभी है आपकी हेडिंग केंद्रीय प्रशासन है, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन में आपको बताया मैंने, महाराजा रणजीत सिंह के जो विभाग थे कुल मिलाकर 12 विभाग थे, लेकिन केंद्रीय प्रशासन में महाराजा रणजीत सिंह के कुल 12 विभाग थे, लेकिन उन 12 विभागों में 4 प्रमुख विभाग थे, और उन 4 प्रमुख विभाग से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अदरवाइज उन 8 से हमें मतलब नहीं है। तो कुल टोटल जो विभाग थे बच्चे वो कितने थे, टोटल 12 थे, लेकिन हमें पढ़ने कितने हैं, मात्र 4, क्योंकि 4 ही हमें महत्वपूर्ण है, तो 4 को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो था वो था आपका दफ्तर, दफ्तर ए, अब बाव उल माल, दफ्तर ए अबाब उल माल, एक डिपार्टमेंट ये था। चलो पहले डिपार्टमेंट लिख देते हैं। दूसरा जो था बच्चा वो था दफ्तर ए रोज नामचा, एक डिपार्टमेंट ये था। दूसरा जो था बच्चा फिर था दफ्तर ए माव जात, और एक और था दफ्तर ए तो ही जात। कुल मिलाकर 4 प्रमुख विभाग थे, 12 थे टोटल, लेकिन 12 में 4 प्रमुख थे जो हमें परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दफ्तर ए आबाब उल माल ये जो डिपार्टमेंट था, ये था बच्चा भू राजस्व का, किसका था, भू राजस्व का। दूसरा दफ्तर ए रोज नामचा, दफ्तर रोज नामचा ये था कि जो राजा हुआ करता था, राजा के दैनिक मतलब रोजाना के प्रतिदिन के होने वाले खर्च का जो विवरण रखता था वो कौन रखता था, दफ्तर ए रोज नामचा। तो लिख देंगे यहाँ पर राजा के प्रतिदिन खर्च का विवरण ये रखता था दफ्तर ए मावजात और दफ्तर ए तो ही जात। दफ्तर ए मावजात क्या था, तो बच्चा दफ्तर ए मावजात जो सैनिक होते थे और जो असैनिक होते थे, एंड असैनिक का वेतन, तो ये जो था एक प्रकार से कहा जाए दफ्तर ए मावजात मतलब वेतन देता था, लेकिन किसको, सैनिक और असैनिक कर्मचारियों को वेतन प्रदान करता था। फिर दफ्तर ए तोही जात, दफ्तर तोही जात ये था कि जो राज परिवार था, जो राज परिवार था, राजा महाराजा जो थे, महाराजा का परिवार था पूरा, रानी महारानी पुत्र वगैरह, उनके खर्चे उनके खर्चों को व्यवस्थित करता था, और साथ ही राजशाही परिवार के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था करता था, तो वो कहला दफ्तर ए तोही जात था। क्लियर? तो ये 4 प्रमुख विभाग थे केंद्रीय प्रशासन में। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब हम बात करेंगे बच्चा प्रांतीय प्रशासन की, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन हो गया हमारा, अब हमें पढ़ना है प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय आपकी हेडिंग हो जाएगी प्रांतीय प्रशासन। अगर प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो प्रांतीय प्रशासन में कुल जो प्रमुख उसके जो सूबे थे बच्चा, कुल सूबे थे 4, सूबे का मतलब है प्रांत, तो कुल 4 सूबे थे। कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं एक बार, एक डायग्राम यहाँ पर ले ले रहे हैं हम लोग, तो उससे हमें और अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इस प्रकार से कुछ कुछ आपका समझ रहे होंगे आप, कुछ इस प्रकार से क्या है, पाकिस्तान है, ठीक। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर आपके यहाँ, यहाँ पर बच्चा लाहौर, यहाँ पर क्या, लाहौर, ठीक है। इससे थोड़ा सा इधर के लिए यहाँ पर, और एक यहाँ पर आपका मुल्तान, और यहाँ पर बच्चा आपका पेशावर, ठीक है, और ये आपका कश्मीर। मेरी बात समझ गए, अर्थात महाराजा रणजीत सिंह के समय 4 प्रमुख सूबे थे, 4 सूबे थे, उसमें एक कौन सा था, कश्मीर, एक लाहौर, एक मुल्तान और एक पेशावर। इन 4 सूबों को मिलाकर के महाराजा रणजीत सिंह का पूरा प्रशासन चल रहा था। क्लियर? तो ये 4 प्रमुख सूबे थे, आपसे पूछ सकता है कौन कौन से सूबे थे, क्या क्या था। क्लियर? हाँ, तो समझ में आया, अब मेरी बात आप आगे समझना। अब आपसे पूछेगा कि जो सूबा हुआ करता था इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो सूबे का प्रमुख अधिकारी जो था बच्चा उसका नाम था नाजिम। कौन था? नाजिम। नाजिम जो होता था इस सूबे का सबसे प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। नाजिम को प्रशासनिक और न्यायिक दोनों ही प्रकार के अधिकार प्राप्त थे।
क्लियर, यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है। और इसके प्रांत के विषय में इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि इतना हमें इसके डीपली नहीं जानना है, ठीक है। आगे हमें चलो कुछ और बात को बता दे रहा हूँ, प्रांत में ही आपको कुछ निचले स्तर के अधिकारी बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपका हमने पढ़ा था परगना, परगना पढ़ा था भी हम लोगों ने बताया था आपको, परगना डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। तो परगने का जो अधिकारी होता था वो होता था आपका कारदार, उसका नाम क्या था बच्चा, कारदार, यानी कि नाजिम, नाजिम के अधीन कौन होता था, कारदार। क्योंकि एक प्रांत, प्रांत में बहुत सारे जिले और उन जिलों का प्रमुख कौन हुआ, कारदार। तो कारदार किसको रिपोर्ट करता था, नाजिम को, यानी कि नाजिम के अधीन कौन था, कारदार। और फिर उसको बताया मैंने आपको तालुका, तालुका हुआ करता, तालुका के कौन प्रमुख अधिकारी था, तालुका का जो प्रमुख था तालुकादार ही हुआ करता, तालुकादार, इसका प्रमुख कौन था, तालुकादार। यानी कि नाजिम, नाजिम के नीचे कारदार और कारदार के नीचे तालुकादार, और फिर इसके नीचे काई कौन सी आती, ग्राम आ जाती थी, गांव आ जाता था, मौज आ जाता था। तो उसमें आप जानते हो ग्राम पंचायत हुआ करती थी, मुखिया वगैरह हुआ करते थे, वो उसके प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, क्लियर। और ग्रामों में ग्राम पंचायत हुआ करती, बाकायदा वो न्याय भी करती थी, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा न्याय व्यवस्था में। तो ये यहाँ तक हुआ प्रांतीय प्रशासन हो गया, उसके साथ साथ में स्थानीय प्रशासन भी हम लोगों ने हल्की सी झलक इसकी देख ली, क्लियर। अब हम आगे बढ़ें तो हमारे केंद्रीय प्रशासन हुआ, प्रांतीय प्रशासन हुआ, अब हम बात करते हैं बच्चा भू राजस्व प्रशासन की, या भू राजस्व व्यवस्था क्या थी। अब हम बात करेंगे भू राजस्व, भू राजस्व व्यवस्था किसकी, महाराजा रणजीत सिंह की, इसको जानेंगे। तो देखो महाराजा रणजीत सिंह के समय जो राजस्व की वसूली होती थी बहुत ही कठोरात्मक तरीके से होती थी, मतलब किसी भी हालत में आपको किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी और जितना टैक्स बनता है आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। तो आपसे एक प्रश्न ये पूछ लेता है कि भाई कितने परसेंट था, तो उपज का 33 से 40% तक है ना भू राजस्व प्राप्त किया जाता था किसानों से, क्लियर। दूसरी बात, अगर मैं पूछूं कि राजस्व प्राप्ति की कौन कौन सी तकनीक प्रचलित थी, कौन कौन सी आपकी मेथड अपनाए जाते थे, कौन कौन सी आपकी विधि प्रचलित थी, तो भू राजस्व प्राप्ति के लिए, भू राजस्व प्राप्ति के लिए समानता चार प्रकार की, तीन प्रकार की पद्धतियां प्रचलित थी, जिसमें एक थी आपकी सबसे पहले जो थी आपके बच्चा, एक थी आपकी, एक आपकी नीलामी थी, एक नीलामी थी, एक आपका कन्नकूत थी और एक आपका बटाई थी। ये तीन प्रकार की पद्धति महाराजा रणजीत सिंह के समय भू राजस्व काल में प्रचलित थी, कौन कौन सी, बटाई, कनकूत और नीलामी। जो आपसे प्रश्न पूछेगा वो ये पूछेगा कि महाराजा रणजीत सिंह के समय कितने प्रतिशत तक भू राजस्व प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न शिवाजी के समय PCS GS में पूछा गया है, क्लियर। कि शिवाजी के समय कितने प्रकार, कितने परसेंट, कितने प्रतिशत भू राजस्व प्राप्त किया जाता था, हो सकता है फिर आपसे पंजाब का भी पूछ ले, क्लियर। तो ये हो गया आपका भू राजस्व व्यवस्था, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आगे हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। अब आपकी हेडिंग हो जाएगी बच्चा न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था महाराजा रणजीत सिंह की हम बात कर रहे हैं। तो देखो अगर न्याय व्यवस्था की मैं बात करूं, हम निचले स्तर से लेकर ऊपर तक जाएंगे, तो सबसे पहले ग्राम हुआ करते थे, ग्राम में न्याय होता था, वहां पर आपकी ग्राम पंचायत जो थी वो न्याय करती थी, ग्राम पंचायत आपकी न्याय करती थी। ग्राम पंचायत की जो ऊपर इकाई थी वो थी आपकी कौन सी, आपका तालुकदार, कौन करता था बच्चा, तालुकदार, तालुकादार न्याय करता था। इसके ऊपर जो था वो कौन था, आपका कारदार, कारदार, और कारदार के ऊपर कौन था, नाजिम, कारदार के ऊपर कौन था, नाजिम। और नाजिम के ऊपर भी एक न्यायालय हुआ करता था जिसका नाम था न्यायालय, न्यायालय उल हक, न्यायालय उल हक, इस प्रकार से न्यायालय था, ये लाहौर में हुआ करता था। और इन सब के ऊपर जो सर्वोच्च इकाई थी न्याय की वो कौन थी, महाराजा था, कौन था, महाराजा। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर ग्राम पंचायत में कोई केस हुआ तो उसकी सुनवाई ग्राम पंचायत में होगी, अगर आप इसके खिलाफ जा रहे हो तालुकदार से आप शिकायत करोगे, इसके निर्णय के खिलाफ आप शिकायत कहाँ करोगे, कारदार, कारदार के खिलाफ कहाँ जाओगे, नाजिम, नाजिम के पास न्यायालय में। और इन सब के खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो कहाँ अपील होगी, महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में अपील होगी, क्लियर। तो न्याय व्यवस्था का स्ट्रक्चर इस प्रकार से था। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो बच्चा जो सर्वोच्च अधिकारी था न्याय के लिए वो महाराजा रणजीत सिंह ही थे, मतलब जो शासक हुआ करता था सिख राज्य में वही सर्वोच्च इकाई था किसकी, न्याय की, ठीक है। और
महाराजा रणजीत सिंह के समय या पंजाब सिख राज्य में यहाँ पर आर्थिक दंड बहुत ज़्यादा दिए जाते थे। आर्थिक दंड का मतलब यह, किसी ने कोई अपराध करा तो उस पर एक जुर्माना लगा दिया जाता था और एक धनराशि वसूल ली जाती थी। क्लियर? यानी कि आर्थिक दंड को एक बड़ा महत्व था। यहाँ पर समानता कारागार अथवा मृत्युदंड देने की प्रथा नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी अगर मृत्युदंड देना होता था तो उस मृत्युदंड को केवल और केवल महाराजा रणजीत सिंह ही दे सकता था। इसके अलावा इनमें से कोई भी मृत्युदंड नहीं दे सकता था। हाँ, आर्थिक जो आपका आर्थिक जो मतलब क्या कहते हैं आपके आर्थिक सजा जो थी, इकोनॉमिक जो सजा थी, वो पनिशमेंट कोई भी दे सकता था, लेकिन मृत्युदंड केवल कौन देगा? महाराजा रणजीत सिंह को ही देने का अधिकार था। एक प्रकार से मैं कहूँ तो आपको, जब आर्थिक उन पर दंड लगता था तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था जो थी वो महाराजा रणजीत सिंह के समय एक आय का स्रोत थी, एक इनकम का सोर्स थी। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बच्चा, हमने पढ़ा न्याय व्यवस्था, तो हमने क्या क्या पढ़ा? केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, भूराज व्यवस्था, पर न्याय व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह के समय की क्या कहते हैं आपकी सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं महाराजा रणजीत सिंह के समय। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था तो महाराजा रणजीत सिंह थे, उनके समय जो सैन्य व्यवस्था थी वो समानता दो भागों में डिवाइडेड थी। ठीक है। तो एक था बच्चा फौज ए खास, एक क्या था? फौज ए खास। एक फौज ए खास हुआ था और फौज ए खास को ही क्या कहते थे? फौज ए आइन। फौज ए खास को फौज ए आइन कहा जाता था। दूसरी जो व्यवस्था थी सैन्य थी, जो सैन्य थी उसकी, उसका नाम था फौज ए बेकवायद। फौज ए बेकवायद। ठीक है, मेरी बात समझ गए? यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के समय सैन्य दो प्रकार के सेना हुआ करती थी। एक फौज ए खास हुआ करती थी जिसे फौज ए आइन कहते थे, दूसरा फौज ए बेकवायद हुआ करते थे। क्लियर? फौज ए खास जो होती थी या फौज ए आइन जो थी, ये नियमित सेना थी। नियमित मतलब रेगुलर, नियमित सेना थी। ये क्या सेना थी बच्चा? नियमित सेना हुआ करती, क्योंकि बेकवाद जो थी ये अनियमित सेना थी। ये नियमित नहीं थी, अनियमित थी, अनियमित। ठीक है। तो ये नियमित और ये रेगुलर या इनरेगुलर थी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके जो पार्ट थे, इसके दो पार्ट थे, एक था आपका घोड़चढ़ा, घोड़चढ़ा खास। इसके एक पार्ट, इसमें दो प्रकार के सैनिक थे, घोड़चढ़ा खास और इसमें एक कौन सा था? मिसलदार, मिसलदार। यानी कि फौज बेकवायद जो अनियमित सेना थी उसमें दो तरह के सैनिक को शामिल किया गया था, घुड़चढ़ा खास को और मिसलदार को। ठीक है। और जबकि आपकी नियमित सेना जो थी, रेगुलर सेना जो थी, उसमें तीन प्रकार के सैनिकों को शामिल किया गया था। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ यहाँ लिखने के लिए। क्लियर? तो इसमें तीन प्रकार के सैनिकों को शामिल किया गया था, घुड़चढ़ा और मिसलदार अनियमित के थे। इनको आप लिख लेना, मैं इसके आपको पार्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर यह समझाना है। तो इसमें बच्चा समानता तीन पार्ट थे। एक थे आपके घुड़सवार, घुड़सवार। दूसरे, ये घुड़सवार है, दूसरे थे आपके पैदल। और तीसरे जो थे इसमें, तीसरे थे तोपखाना, तोपखाना। यानी कि फौज खास या फौज आइन में तीन प्रकार के सैनिक हुआ करते थे, घुड़सवार, पैदल और तोपखाना। ठीक है। मैं आपको यहाँ छोटी सी बात बता दूँ, फौज खास तो फौज आइन के जो सैन्य कर्मचारी थे, जो सेना होती थी, इनको घोड़ा, इनको अस्त्र शस्त्र और अन्य सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं इनको सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। यानी कि महाराजा रणजीत सिंह द्वारा ही इनको उपलब्ध कराया जाता। जबकि दूसरा, मैंने आपको फौज बेकवायद बताया था, ये अनियमित सेना थी जिसके दो पार्ट बताए थे, उनको सरकार के द्वारा यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, घोड़े इत्यादि उपलब्ध नहीं कराए जाते थे। उनको जब आवश्यकता होती थी तब उनको बुलाया जाता था लड़ने के लिए। मेरी बात समझ गए आप? तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर घुड़सवार आपके पैदल सेना थी, और किसकी? घुड़सवार की, पैदल सैनिक और तोपखाना की। क्लियर? मेरी बात समझना। तो बच्चा, जो घुड़सवार थे, पैदल थे, तोपखाना थे, तो महाराजा रणजीत सिंह ने सेना में क्या करा था? महाराजा रणजीत सिंह ने सेना में ये किया था बच्चा, कि उसने सेना को जो व्यवस्थित किया था, मतलब उसने देखा था कि भारतीय सेना, इसने इससे पहले
चीज़ें देख रखी थी, सुन रखी थी कि भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जो सेना है उसको कोई परंपरागत तरीके से लड़ती आ रही है, ट्रेडिशनल है ना, उसमें कोई लड़ने की कोई युद्ध कला नहीं है, उसमें कोई विशेष क्षमताएं नहीं है, उनको ट्रेंड नहीं किया जाता है। तो इसलिए उसने क्या करा, अपनी सेना को ट्रेनिंग प्रदान की, और उसने ट्रेनिंग देने के लिए विदेशों से लोगों को बुलाया, फ्रांसीसियों को बुलाया, इटालियन को बुलाया, जर्मन को बुलाया, ब्रिटिश लोगों को रखा, अमेरिकन लोगों को रखा, उसने बहुत सारे लोगों को रखा अपनी ट्रेना को, अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए। तो उसमें से यहाँ से प्रश्न पूछता है कि घुड़सवार जो सेना थी उसको किसने ट्रेनिंग दी थी, पैदल सेना को कौन ट्रेनिंग देता, तोपखाना सेना को कौन ट्रेनिंग देता था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा था, भाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बच्चे जो घुड़सवार सेना थी, इसकी घुड़सवार सेना को जो ट्रेनिंग दी गई थी महाराजा रणजीत सिंह को, तो वो दिया था एलार्ड द्वारा। किसके द्वारा? एलार्ड द्वारा। एलार्ड एक नामक व्यक्ति था जो फ्रांस का रहने वाला था। इस एलार्ड नामक व्यक्ति ने महाराजा रणजीत सिंह की घुड़सवार सेना को ट्रेनिंग दिया था। अगर मैं बात करूँ पैदल सेना की, जो पैदल सेना हुआ करती थी, तो पैदल सेना को जो ट्रेनिंग दिया था उसका नाम था बंतूरा। बंतूरा क्या नाम था? बंतूरा। और जो बच्चा बंतूरा हुआ, ये बंतूरा जो था ये कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला? इटली का। क्लियर। दूसरी अगर मैं बात करूँ तोफखाना की, ठीक है, तो तोफखाना जो था, तोफखाना को दो अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी। एक था आपका जनरल कोट, जनरल कोट, और दूसरा जो था, दूसरा था बच्चा गार्डनर, है ना, कर्नल, कर्नल गार्डनर। मेरी बात समझना बाब, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अर्थात इसकी नियमित सेना के तीन पार्ट थे, घुड़सवार, पैदल, तोपखाना। घुड़सवार सेना को एलॉर्ड ट्रेनिंग देता था, जबकि पैदल सेना को बंतूरा ट्रेनिंग देता था, जबकि तोपखाना सेना को जनरल कोट और कर्नल गार्डनर ट्रेनिंग देता था। यहाँ तक बात समझ में क्लियर आ गई? डेट्स गुड, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं दोबारा से एक बार फौजी बेकवायद की, ठीक है, फौजी बेकवायद अथवा अनियमित सेना के, क्योंकि उसमें मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, फौजी बेकवायद अथवा अनियमित सेना में, यानी कि हमने एक पार्ट कवर करा फौजी खास अथवा फौजी आईन हमने कवर कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं फौजी बेकवायद, इसके मैंने आपको दो पार्ट बताए बच्चा, एक बताया था आपको कौन सा, घोड़ चढ़ा खास, और दूसरा बताया था मिसलदार। तो घुड़चढ़ा खास कौन था? घुड़चढ़ा खास वो सैनिक हुआ करते थे आपके फौजी बेकवायद में, जो युद्ध के दौरान अपने लिए घोड़ों का और विभिन्न प्रकार के टूल्स यानी कि औजारों का व्यवस्था स्वयं करते थे। इनको किसी भी प्रकार के घोड़े अथवा अस्त्र शस्त्र सरकार द्वारा नहीं दिए जाते थे, वो क्या होते थे आपके? घुड़चढ़ा खास कहलाते थे। मेरी बात समझ गए? क्लियर। हाँ, वेतन सरकार द्वारा दिया जाता था, वो भी कब? जब वो युद्धवा में भाग लेते थे और जब उनको बुलाया जाता था उसके दौरान। दूसरा मिसलदार कौन थे? मिसलदार भी एक प्रकार की, आपको बताऊँ, जब महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत सारे विजय अभियान किए थे, मैंने आपको पढ़ाया था 1806 में, 1807 में, 1808 में पढ़ाए थे ना बहुत सारे मिसल, तो बहुत सारे मिसल के क्षेत्रों को इसने, जिन क्षेत्रों को जीता था उन क्षेत्रों के जो प्रमुख अधिकारी, वहाँ के प्रमुख शासक जो हुआ करते थे, उनको कुछ जागीर दे दी जाती थी और बाद में उन लोगों को महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अपनी सेना में भर्ती कर लिया जाता था, तो वो कहलाते थे मिसलदार, और आवश्यकता होने पर इनकी सेना को युद्ध में भाग लेने का अनुमति प्रदान की जाती थी या आदेश दिए जाते थे, तो वो आपके मिसलदार कहलाते थे। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो बच्चे ये हुआ महाराजा रणजीत सिंह का प्रशासन, जो हमने पूरा का पूरा पढ़ा। कुछ बातें मैं आपको और बता दूँ जो बताने से रह गई थी। एक प्रश्न पूछता है आपसे महाराजा रणजीत सिंह के विषय में कि महाराजा रणजीत सिंह को किसने कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा आप पढ़ते हो ना, तो कोहिनूर का जो हीरा था वो शाह शुजा ने दिया जब वो भाग करके आया था अफगान से, तो उसने दिया था, ठीक है। दूसरा एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है महाराजा रणजीत सिंह का, स्टेटमेंट ये है कि महाराजा सिंह ने ये कहा था, महाराजा सिंह एक आँख से खराब थे, यानी कि उनकी एक आँख खराब थी, तो एक स्टेटमेंट है महाराजा सिंह ने ये कहा था कि मैं सभी धर्मों को एक समान देख सकूं, मैं सभी धर्मों को एक समान रूप से देख सकूं, इसलिए ईश्वर ने मेरी एक आँख की रोशनी छीन ली। तो ये स्टेटमेंट भी किसका है? महाराजा रणजीत सिंह का है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो
तो यहाँ तक बच्चा हमारा हो गया महाराजा रणजीत सिंह वाला टॉपिक कवर। अब जो हम पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी और साथ में पढ़ेंगे प्रथम और द्वितीय आंगल सिख युद्ध। यानी कि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर दो चार प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो दलीप सिंह के सॉरी महाराजा रणजीत सिंह के पश्चात कौन अगला शासक बना था, उत्तराधिकारी कौन हुआ था, महाराजा रणजीत सिंह के पश्चात जो शासक हुए थे उनका क्रम आपसे लगवा लेता है कौन पहले कौन बाद में था, और अंतिम शासक कौन था ये भी पूछा जाता है, वो दिलीप सिंह था। दिलीप सिंह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, दिलीप सिंह की मृत्यु कब हुई थी, उसके पिता का नाम क्या था, वो कब शासक बना था, उसके समय कौन कौन सी संधि हुई थी, उसके समय कौन से युद्ध हुए थे, तो बहुत सारे प्रश्न दिलीप सिंह से बनते हैं। तो है ना, आपको नेक्स्ट वीडियो कल मिल जाएगी एक और वीडियो आपका, तो हमारा ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके बाद हम मराठा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देन आपको है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है, मॉडेस्टी में आपको पूरी कवर कराऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।